इस डॉक्टर ने तो कर दिया है एप्पल को भी हैरान, आईफोन से कर रहा है आंखों का इलाज। क्या हो अगर आप भी ऑनलाइन 50,000 का फोन मंगाएं और वो बॉक्स खोलते ही निकल आए उसमें से साबुन की बट्टे, वो बट्टे देखने के बाद तो आपकी निकल आने वाली है पैंट में टट्टी। जियो के चरस बोने का ठेका ले लिया है आइडिया और वोडाफोन ने मिलके, पर क्या ये चरस बो पाएंगे? वैसे आप लोग तो जानते ही होंगे कि वन प्लस के फोन कितना धमाका करते हैं, तो एक और धमाकेदार फोन की एंट्री होने वाली है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं यही सब लेटेस्ट टेक इन्फॉर्मेशन। तो भैया आज के इस वीडियो में बने रहना, तभी आपको मिल पाएगी आज के टेक बग की फुल डिटेल। भैया जुगाड़ू तो लोग बहुत होते थे, लेकिन ये तो बहुत ही बड़े जुगाड़ू निकले। अमेरिका के ये डॉक्टर हैं टॉमी कॉर्न, पॉपकॉर्न के हो सकता छोटे या बड़े भाई हों, लेकिन एक बहुत ही उमदा आँखों के डॉक्टर हैं। और इन्होंने हाल ही में आईफोन 13 प्रो मैक्स से अपने पेशेंट की आँखों का इलाज कर दिया। हम आपको बता दें कि इन्होंने सेंसर से, माइक्रो सेंसर से उसकी आँखों का कैप्चर करा और बता दिया कि भैया तुमको ये बीमारी है। अब हो सकता है कि आईफोन ने इनको प्रमोशन के लिए ऐसा कहा हो, क्योंकि ये बहुत ही उमदा आँखों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, या फिर सच में ये ऐसा कर ले रहे हैं, ये तो हमें नहीं पता। आपको क्या लगता है, आप हमें बताओ। तो मजलूम माँ के दोनों बेटे आ गए हैं। जी हाँ, आइडिया और वोडाफोन बदला लेने आए हैं ठाकुर दुर्जन सिंह यानी जियो से। अब ये दोनों मजलूम माँ के बेटे मिल गए हैं एक साथ और टक्कर देने आ गए हैं मैदान में जियो को। अब ये दोनों मिलके क्या जियो को हरा पाएंगे या अपनी सेल जियो से बढ़ा पाएंगे, ये तो अभी हम कुछ नहीं बता सकते, आने वाला समय ही बताएगा। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, ठाकुर दुर्जन सिंह या मजलूम माँ के दोनों बेटे? कमेंट में हमें ज़रूर बताओ। भैया हम तो चेतावनी दिए थे अपने लास्ट वीडियो में कि फ्लिपकार्ट अच्छा है या फिर अमेजोन, अगर ये भैया हमारा वीडियो देख लिए होते तो इनको ये साबुन की बट्टी ना मिली होती और इनके पैंट में इनकी टट्टी ना निकली होती। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, फ्लिपकार्ट से भैया ने आईफोन 12 मंगाया था और मिला गया इनको वॉशिंग पाउडर निरमा। अब ये निरमा से अपनी वो टट्टी करी हुई पैंट को धो सकते हैं भैया। तो एक नज़र इस क्लिप में भी मान लो कि डब्बा खोलने के बाद इनको क्या मिला है। इन भाई साहब ने तो ओपन बॉक्स डिलीवरी करवा ली, यानी कि जो डिलीवरी मैन आया था उसी समय उसने डब्बा खुलवाया और एक शॉर्ट वीडियो बना लिया। शॉर्ट वीडियो बनते ही इनकी तो आंखों के तोते उड़ गए, क्योंकि उसमें से आईफोन की जगह निकला वॉशिंग पाउडर निरमा। खैर बनाओ कि भैया ने वीडियो बना लिया तो हो सकता है कुछ गुंजाइश हो रिफंड की या फिर वापस जाने की, फ्रॉड का केस भी ये कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्होंने वीडियो ना बनाया होता तब तो इनके 50,000 तो भैया चले गए थे। आप आगे से ध्यान रखिएगा, कुछ भी प्रोडक्ट परचेस करिए तो उसको खोलते समय एक शॉर्ट वीडियो अपने पास ज़रूर बना ले, हो सकता है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ हो तो आपके पास एक प्रूफ रहेगा, तो बी अलर्ट। वन प्लस अपना एक नया स्मार्टफोन मार्केट में लॉन्च करने वाली है 13 अक्टूबर को, और ये फ़ोन मार्केट में उतारा जा रहा है बहुत ही अच्छे फीचर्स के साथ, क्योंकि इसके फीचर्स आपकी जेब तो ज़रूर ढीली कर देंगे, क्योंकि भैया वन प्लस तो मार लेता है, बहुत ही महंगा होता है, हमारे पास के तो बाहर है, लेकिन फ़ीचर इसके बहुत गजब के होते हैं, सभी फ़ोनों को अच्छी खासी टक्कर दे देते हैं। तो अगर इसके फ़ीचर आपको जानने हैं कौन कौन से हैं तो इसका सेपरेट वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा है, तो आप वहाँ पर भी जाकर के इसका सेपरेट वीडियो देख सकते हैं। ये फ़ोन कैसा होने वाला है, कितने बजट में होने वाला है और कितनी तारीख को लॉन्च होने वाला है, क्या इस फ़ोन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सब आप वहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इन वन प्लस फ़ोन का सबसे ख़तरनाक फीचर ये होता है कि ये फ़ोन फटते बहुत हैं। दिवाली आ रही है, फ़ोन खरीद लो और दगा देना या फिर अपने आप दग जाएगा। तो ये थी हमारी आज की कुछ स्पेशल टेक न्यूज़, पर हम तो जा रहे हैं अब अपनी नई टेक न्यूज़ बनाने। बाय बाय। तो भैया अगर आज के टेक बक आपको अच्छी लगी हो, इसमें कोई भी इन्फॉर्मेशन बताई हुई अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और क्या क्या डिटेल आप पाना चाहते हैं, किस किस बारे में डिटेल पाना चाहते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, आप सब लोग अपना ख्याल रखना।